खबर झुंझुनू के खेतड़ी से है, जहां नानूवाली बावड़ी ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 9 में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। वकील बेटे ने पैसों के लिए मां से मारपीट कर दी, जिससे महिला के सिर, हाथ और पैरों में काफी गंभीर चोटें आई हैं। बेटे की करतूत बताते मां रो भी पड़ी। वकील की हैवानियत की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले पिता रामनिवास सैनी से भी 2 बार मारपीट कर चुका है, गला दबाकर मारने की भी कोशिश की गई है। वकील की दबंगई के कारण मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति बीच बचाव करने नहीं पहुंचा। घटना की पुलिस ने रिपोर्ट भी अब दर्ज कर दी है। एसडीएम से भी न्याय की गुहार लगाई गई है, लेकिन वकील के रुतबे की वजह से 4 दिन बीतने के बाद भी आरोपी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि मारपीट का वायरल वीडियो लोगों में चर्चा का विषय भी अब बना हुआ है। जना आज गई को कुछ ही कुन होयो, इन कुछ ही कुन खयो ये पाछे एक एवर बर मन ने मारी है। जद भी इन कुछ ही कुन खयो आवे सी का पापा रिटायर आया या रिटायर आ गा ना जना इन आज गई पिसा बावे साहब पिसा आज गई कटे हु लेवा में देन के लन ने मन लता से मारी मुका से मारी लकड़ी से मारी मन आज गई। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता हर्ष फोनलाइन पर मौजूद है हमारे साथ। जी हर्ष, बताएं क्या है पूरा मामला। मैं बता दूं, ये खेतड़ी में एक शर्मसार करने वाली व दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है जी। एक बुजुर्ग माँ को उसी का वकील बेटा बुरी तरह से मारपीट करता है, लाठी डंडों से मारपीट करता है और घायल हो जाता है, और उसके बाद भी उसको धमकियां देता है कि मारने की मुकदमे में फंसाने की। कहीं ना कहीं ये पूरा मामला इस तरह का सिस्टम बैठ गया कि पुलिस 4 दिन बीतने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं उसे वकील का होप्स हो या दबंगई हो, पुलिस भी पूरी तरह से कार्रवाई करने में असमर्थ हो रही है। आज जो अभी अभी जो सूचना मिल रही है, पीड़ित परिवार उस महिला वाले कलेक्टर के पास भी पहुंच गए हैं, और कलेक्टर क्या आदेश देते हैं, आगे क्या कार्रवाई होती है, ये तो देखने वाली बात हो। हर्ष, उसकी माँ लगातार गुहार लगा रही है न्याय की, और फिर भी 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की गई है, तो क्या कोई संभावना है कि आगे कब तक कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, 4 दिन बीत गए, तो कार्रवाई नहीं होने पर ही वो पीड़ित परिवार कलेक्टर के पास पहुंचा है। इससे पहले एसडीएम को भी सूचना कर दी, हालांकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये कहीं न कहीं पर पुलिस पर भी सवाल या निशान लग रहे हैं। कहीं न कहीं उस एडवोकेट का ही इतना दबंगई समझो, चाहे उनकी पहचान हो, जान पहचान हो या खौफ हो, पुलिस पूरी कार्रवाई नहीं करी। और ये कोई इसके साथ पहला मामला नहीं हुआ है। जो उसका पिता था उसके उसको भी 2 बार मारपीट की जा चुकी है, उससे हार्टेक का भी दौरा पड़ चुका है। इस मामले को लेकर इस महिला है जो उसकी माँ है उससे भी पहले मारपीट की जा चुकी है, तो ये कई दिनों से इनका आपस में जो झगड़ा है वो चल रहा है। जी हर्ष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खेतड़ी से आपको शर्मसार करने वाली ये घटना बता रहे थे, जहां एक वकील बेटे ने अपनी ही माँ से इतनी मारपीट करी और लगातार 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। खेतड़ी से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर पैसों के लिए एक बेटा हैवान बन गया और मां से मारपीट कर डाली, और इसका वीडियो भी आपको बता दें कि अब जमकर वायरल हो रहा है, खूब चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन शिकायत के बाद भी पुलिस कोई भी उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रशासन से लगातार गुहार लगाई जा रही है न्याय की। खेतड़ी से मामला बता रहे हैं आपको, जहां पर इंसानियत एक बार फिर से शर्मिंदा होती नजर आ रही है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन।